एक और चीज मैंने देखी मास्टर जी, जैसे अब आपके घर आके रुके हमें, तो आपने घर के बाहर अपना बोर्ड लगा रखा है, उसमें अपने पिताजी का नाम भी लिख रखा है, और उसके पीछे आपने अपना जो जाति है वो भी कि नाई लिखा हुआ। हाँ बिल्कुल। और पूरी दुनिया में आप फेमस हो पालेराम दैया के नाम से, हाँ तो ये क्या चक्कर है, एक बार इसको थोड़ा समझाओ। दैया का ये है जी कि हमारे यहाँ ये 40-50 गांव है, दैया है पूरी पूरी बेल्ट। दैया बेल्ट है यार। हाँ तो जो भी आदमी बोलेगा तो पालेराम दैया ही कहेगा। अच्छा, आपने वैसे ही कहने लगे लोग हाँ दैया। पालेराम दैया। अच्छा, मैं फिर माँ भी चलो ये दैया में खुश सदम तो दैया लगा देंगे। वो सब ने बेरा वे पाले ना ही है, हाँ और कोई प्रोग्राम मेरे तो भी नहीं होकर ना ही। हाँ माँ ना ही हूँ भाई, ना ही सू। हाँ अरे भाई दैया ने हाँ जी, फिर ये सारे सब भाई ये खुश हैं, अरे ये खुश हो कहे तो फिर मुन्ने भी कहने में क्या दैया में बुराई कहना है बुराई नहीं है। भाई। अच्छा पहले जी, ये जैसे आज का दौर तो हर चीज में जाति घुस गई, लेकिन आपने उस दौर में गाना शुरू करा था जब सारे 36 कौम इकट्ठी बैठ के सुना करती थी, हाँ कट्ठी तो उस जमाने में राजा वाले जमाने में क्या फर्क महसूस करा है आपने? उस जमाने मेरी जमाने में बहुत फर्क हो गया। जब ऐसा था जब लोग सुनन जाया करते और गावनिया गावन जाया करते, पैसे थे नहीं, इज्जत थी अच्छा, पैसे नहीं थे। नहीं, पैसे नहीं थे, पैसे थे जी गरीबी थी, देहात में कड़ा पैसे थे। जब तक 2 रुपये देखे 1 रुपया उल्टा मांग लिया थे। अच्छा, हाँ एक उल्टा दे एक उल्टा दे दे भाई, 2 का है दिया। भाई, तो फिर 100-100 गिर, 1,000 1,000 गिर एकदम। वर्षन ला जाए और जी बहुत। तो अब कितनी के आप महीने में एक आध प्रोग्राम अब कराते हो अभी हाँ कई कितने? कई कई निकल जाते हैं प्रोग्राम तो अच्छा, पार्टी आपकी है है तो पार्टी तो। वालों का भी रंग ढंग बदल गए अब तो। पहले तो वैसे ही ले जाया करते, चल भाई चल, हैं? नजीब तो अब तो सब उनकी बंधे हुए हैं, सबके अच्छा परमानेंट हैं ये बंदे, उसके अलग अलग सब। अच्छा जैसे दादा लक्ष्मी के बारे में या फौजी मेहर सिंह जी के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन बाजे भगत जी के बारे में बहुत कम जानकारी है। थोड़ा बताओ कौन थे, क्या उनकी हिस्ट्री बाजे भगत है? जी सुसाने के थे, अच्छा सुसाना गांव था उनका, हाँ, और वो मारी कास्ट से थे, अच्छा भाई काश नहीं थे वो। नाई थे। हाँ अच्छा जी तो उनका बड़ा अच्छा नाम रहा है अपने ज़माने में, और बड़ी अच्छी कविता हुई इसकी, हाँ, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उनकी प्रचलित नहीं हुई कविता। अच्छा कविता। हाँ उसका कारण ये रहा कि जैसे एक जमींदार ने ब्याज कर लिए, फसल उठ गई, एक ने तो 58 सुधी मंडी में गिर दी, हाँ वो तो बिकी, एक ने ओबरे में गिर ली, वह खमगी खराब होगी। ऐसे ही भगत जी की थी कविता, बहुत बढ़िया है, और हाँ जी बना भी खूब रखी है, लेकिन वो प्रचलित नहीं हो पाई। अच्छा फिर वह जब लिखड़ी, जब इतना खराब शराब होली, उनमें कुछ मिलान आ गया, जिसका पूरी याद ना थी दी अपने दौर से बना काट दी, काट दी। फिर वो खराब हो गई कविता। मतलब भगत जी की बहुत अच्छी कविता है, हाँ, अगर मानस सुनो तो। ऐसा भी कहते हैं कि बाजे भगत जी ने दादा लक्ष्मी को भी हराया था किसी कंपटीशन में, क्या सच है ये बात? देखो जी हम देखे बगैर प्रूफ होए बिना हम कैसे कह सुनी सकते। होगी आपने भी। हाँ सुनी ही तो सुनन मताओ है, तो सुनन भगत मताई क्यों लिखते थे वो? क्या मंदिर वंदिर में रहते थे या फिर वैसे ही परमात्मा का ध्यान? भगत जी ऐसे लिखते थे कि उसका कत्ल हो गया था भगत जी का। अच्छा, बाजे भगत जी का। हाँ हाँ और उनने देख लिया था जिसने मारा था, तो फिर पुलिस आ गई, पुलिस ने पूछा हाँ जी कौन था क्या था, कल लगा जी कोई ना, बस भगवान था, मेरा चोट लग गई बस। तो वो थानेदार भी डॉक्टर भी ने बोले रे भगत जी ने बताया दे तू भाई कि कौन था अच्छा, मारने उनको क्या चोट था। मार गया था कोई? हाँ मर गया था, और फिर वो मर गए थे 2-4 दिनों के बाद। अच्छा, उसका नाम नहीं बताया किसने नहीं मारा? ना पता था, और एक साजिंदे नहीं पता था, एक साजिंदा पांच अब था अच्छा भगत जी के उस टाइम पे,
मरता उसने भी नहीं कर दी थी बताओ ना नहीं है। तो आखिरी दम तक पूछे गई पुलिस भी डॉक्टर भी, लेकिन बताया नहीं, इसलिए उसको भगत के अंदर दिए। हाँ भाई भगत, उनकी शायद मूर्ति मारती भी लगी हुई है, मूर्ति लगाई थी नारायण आश्रम में, नारायण आश्रम में। हाँ जी, या ससाने। तो उनके परिवार से भी कोई गायक निकला या फिर वो ना? परिवार से को खास नहीं, कोशिश तो करी उनने। अच्छा। हाँ, लेकिन खास नहीं चली बात। उसे काम ठीक हो, एक लड़का वो पोता है ठेकेदार है। हाँ। एक डीओ था और जी ठीक है, परिवार संपन्न है। अच्छा, लिखी पड़ी फैमिली है। अच्छा पलराम जी, ये जैसे रागिणी गाणी हैं, ये आमतौर पे नौकरी लग जाया करते थे, आपका भी सूत बैठा कहीं? मेरा ही बैठा था एक बार सूत, हम लोग चंडीगढ़ जाया करते, एक उसका था ये इस पर पंचकूला के पिंजौर गार्डन रोड पर एक ग्रीन मार्केट है। अच्छा। और वहाँ एक वो है हरियाणा भवन है, देखे भी होगा आपने, वहाँ एक पंचायत भवन बना था हरियाणा किसाना का। अच्छा। वहाँ बुलाया करते हुए साल में एक बे दो बे, तो एक बार हम जा रहे थे तो जी